हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं आज के दिन की। नवम्बर का दूसरा दिन आ चुका है और देखते हैं कि आज सुबह तक की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगी रेलवे टू यूपीएससी। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल, हाफ तेनिया, संदीप, राजेश, गणेश, एंटोनियो, रोशन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग राजवंशी, बंगाली बाबू, रत्नाकर, कानपुर बॉय। कानपुर बॉय, बहुत देर से कानपुर बॉय वॉज लाइक कि हेलो, क्या कोई कानपुर से है? भाई तुम ही कानपुर से हो, किसी और की क्या जरूरत है? हैं, आजकल तो ये जो लोकेलिटीज है, मतलब यहाँ कानपुर में आपको पता ही है कि जब गंगा रिवर है तो आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे काफी ज्यादा कोहरा सा हो जाता है ना? तो उसके नियर अबाउट भी जितने एरियाज हैं आज वहां पे भी काफी ज्यादा कोहरा है। ओके, चलिए तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे अपने दिन की। सो उम्मीद करेंगे कि आपका कॉपी पेन जो है वो रेडी होगा, क्योंकि बहुत सारी न्यूज है जो आज हमें पढ़नी है। शुरुआत करेंगे हम लोग फुटबॉल से और खत्म करेंगे हम लोग फॉर्मूला वन पे, यानी कि आज स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई काफी ज्यादा न्यूज है। इसके अलावा न्यूज के पार्ट पे अगर आप देखें तो आपको गुजरात के ऊपर काफी ज्यादा न्यूज मिल रही है और मिलती रहेगी। कब तक? जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते। तो गुजरात के अंदर भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं, उसके ऊपर अभी जैसे जैसे आर्टिकल आता जाएगा उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? वेरी गुड मॉर्निंग प्रतीक्षा, शशांक, राज, मोहित, रिया, पूजा, सुजीत, डेफला, संजय, शेफाली, सरबजीत, वेरी गुड मॉर्निंग। हींग 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 कैसा नाम रखा है? रत्नाकर, मनीषा, आशीष, सौम्या, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, एक बार इसे क्लास के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लास। एक बार इसे शेयर जरूर से कर दिया करिए, है ना? दिनिया, आशीष मौर्य, सिमरन, चक्रेश, मौसम। ओके, सुनिएगा, एक सेकेंड। वेरी गुड मॉर्निंग ममाज बॉय। रामा देवी से थोड़ा सा डिस्टेंस पे। चलिए, तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है? खुद के अस्तित्व को बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक बार जब अस्तित्व बन जाता है तो उसको बनने के बाद में, ये आप देख रहे हो ना, ये जो आपको इमेज नजर आ रही है, इमेज से समझिएगा, जब एक बार आपकी प्रेजेंस, आपकी जो पोजिशन है, आपका जो एक कहते हैं ना एक आइडेंटिटी जो है, जब वो बन जाती है तो फिर दूसरे लोग हमेशा उसको देखो मिटाने के पीछे तो लगे रहेंगे, लेकिन वो इतनी आसानी से मिटती नहीं है। तो एक बार आप अपने आप को प्रूव करो लाइफ में। चैलेंजेस किसकी लाइफ में नहीं आते, हर किसी की लाइफ में आते हैं, आपकी में भी आएंगे, बट हाउ टू ओवरकम, वहां से बाहर आके आप किस तरीके से अपने अस्तित्व को बनाना चाहोगे उसी तरीके से वो बनता चला जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है हम लोगों की, लेकिन आपको एक चीज बता दें कि आज के आपके जो बाकी क्लासेस हैं, दोपहर में 12 बजे आपका 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसके बाद में दोपहर में 3 बजे का जो आपका क्लास है वो मोस्ट रिपीटेड जीएस के क्वेश्चंस हैं, जो दोनों के दोनों आपके सारे एग्जाम को कवर करेंगे, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पेट है, सीईटी, व्हाटएवर, हर एग्जाम को कवर करेगा। और उसके बाद में शाम को 4 बजे आपका अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास शेड्यूल कर दिया है मैंने अभी सुबह सुबह, और आज का टॉपिक है पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको ये टॉपिक अभी तक पढ़ाया नहीं था, मुझे अभी याद आया किसी स्टूडेंट ने बोला था, तो ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो सभी तैयार? पुगल, शंका, अंकुश, कविचंद्र, निखिल, नीतू, वेरी गुड मॉर्निंग। सब तैयार? ऑल गुड टू गो? चलें फिर आगाज किया जाए। शेफाली, प्रियंका, मोनू, रीता, रिया, गोपाल, पीहू, मनोज, संगम, माही, सभी ममाज बॉय एंड सभी पापा स्परी, सबको है गुड मॉर्निंग। आइए जरा आगाज करते हैं। और सबसे पहले यार, आजकल पांडा की स्लाइड कहाँ चली गई? कल लगानी पड़ेगी, खो गई है बेचारी कहीं। आइए पहली न्यूज आपके सामने आते हुए, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस नाम से साइन किया गया है? फुटबॉल फॉर स्कूल। किस नाम से है? फुटबॉल फॉर स्कूल। आइए जरा इसके बारे में समझते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने अभी हाल ही में फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बीच में एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसको साइन किया है,
दिव्या सौम्या, बाद में बात करेंगे। खेड़ी गोलू शुभम, ओके। साइन किया है और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? फुटबॉल फॉर स्कूल। किसके द्वारा इसको साइन किया गया है? तो यहाँ पर आप आंसर करिए, तब तक जरा हम बाकी बातें बता देते हैं। हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो ये कौन हो जाएंगे? मनसुख मंदाविया जी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर जी। ऑप्शन में वैसे और लिखा हुआ है, ऑप्शन में वैसे और लिखा हुआ है। क्या कहते हो, क्या कहते हो? आंसर ए होगा, सोच लो, पॉल भी लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा एजुकेशन मिनिस्टर। क्या होगा? एजुकेशन मिनिस्टर। ये देखिए, अच्छा आप में से कितने ऐसे हैं जिनको फुटबॉल देखना या फुटबॉल खेलना दोनों ही अच्छे लगते हैं? चलिए आइए जरा इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? फीफा, है ना। पहला पॉइंट क्या है? फीफा। फीफा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया के अंदर फुटबॉल को मैनेज करने का काम करता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1904 में और इसके अंदर टोटल जो मेंबर्स हैं यानी कि कंट्रीज और क्लब दोनों मिला के कितने हैं? 211 आपको इसके अंदर मेंबर मिलेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो भी इसका मेंबर है। फीफा की जिम्मेदारी होती है वर्ल्ड कप को कंडक्ट करना। और ये वर्ल्ड कप कौन सा वाला? फुटबॉल वाला। कौन सा वाला? फुटबॉल वाला। तो मेन और विमेन दोनों कैटेगरीज में इसका आयोजन किया जाता है। तो जो मेन की कैटेगरी है इसमें शुरुआत होती है 1930 से। कब से? 1930 से फुटबॉल जो है उसका वर्ल्ड कप शुरू होगा मेंस की कैटेगरी में। और विमेंस की कैटेगरी में कब से शुरू होता है? 1991 से। ठीक, तो ये तो हो गया इसके बारे में। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो इसके साथ में आएगी वो है ये वाली, है ना। कमेंट बॉक्स के अंदर इसके अध्यक्ष का नाम लिखो। कल भी मैंने पूछा था, आज फिर हम आपसे पूछ रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर, ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर फुटबॉल को रेगुलेट करती है। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा और इसके द्वारा अभी हाल ही में ड्यूरेंट कप जो है इसका आयोजन किया गया था। ड्यूरेंट कप कौन सा एडिशन था? 131 था। कल्याण चौबे, करेक्ट। क्या नाम है? कल्याण चौबे जी। अब ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बनता है? ये बनता है 1937 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ मिलाया है और कहा है कि अब हम फुटबॉल फॉर स्कूल को लॉन्च करेंगे। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा, क्या होगा इसमें? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो हमारे यहाँ पे नई वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 वाली, इसके अंदर ही अब हम स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देंगे। जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, वहां पे अब कोशिश की जाएगी कि स्पोर्ट्स में फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा सके ताकि बच्चों में जो स्पिरिट है वो यहाँ पे जग सके। अच्छा, आप लोगों ने यूजुअली रोनाल्डो को देखा होगा, मेसी को देखा होगा, या आपने क्रिकेट में धोनी या लाइक विराट कोहली, ये जो प्लेयर्स होते हैं इनमें एक अलग सी स्पिरिट होती है। अगर आपने देखा हो, अगर आपने उस चीज को फील किया हो, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि इन बच्चों के अंदर क्या करना है, एक स्पिरिट को हमें जगाना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जिससे क्या होगा, बच्चे सीखेंगे भी और इसके साथ साथ में इनके अंदर जो स्किल है उसको भी डेवलप किया जाएगा। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों को कवर किया जाएगा। बताया जा रहा है करीबन 25 मिलियन बॉयज एंड गर्ल्स होंगे जिनको इस योजना के अंदर कवर किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसको लॉन्च किया गया और यहाँ पर ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनेगा। तो फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम, जिसका काम क्या है? फुटबॉल को और भी ज्यादा बेहतर बनाना। किसके लिए? स्कूल के बच्चों के लिए, जिससे क्या होगा, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट दोनों आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों को कवर किया जाएगा। चलिए अब आते हैं जरा यहाँ पे सवालों की तरफ, बताइए। अच्छा, मोहम्मद मोसाद, मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगी आपसे, है ना। हाँ जी, मेरी जो क्लास है वो आपकी रेलवे से लेके यूपीएससी तक बच्चा सबको कवर करेगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताइए फुटबॉल फॉर स्कूल अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया गया था अपना प्यारा उड़ीसा। कौन था? अपना प्यारा उड़ीसा। अगला है AIIF, आपको भी मैंने बताया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है,
जिसके हेड कौन हो जाएंगे, चौबे जी हो जाएंगे। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा। और ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए फुटबॉल में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको गया है, तो सुनील छेत्री जी को गया मेल कैटेगरी में, और मनीषा कल्याण इनको दिया गया फीमेल कैटेगरी में अवार्ड। ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया। मनीषा कल्याण ये बनी है सबसे पहली विमेन फुटबॉल प्लेयर जिन्होंने खेला है इंडिया की तरफ से क्लब के लिए। वैसे ये कौन सी वाली टीम की तरफ से, ये केरला वाली टीम की तरफ से खेलती हैं। सुनील छेत्री कौन सी टीम के कैप्टन हैं, बेंगलुरु टीम के कैप्टन हैं। अगला ड्यूरेंट कप अभी हाल ही में किसने जीता है, बैंगलोर की टीम ने जीता है। फाइनल मैच जो है वो कहाँ हुआ था, कोलकाता के अंदर हुआ था, सॉल्ट स्टेडियम में। कहाँ पर, सॉल्ट स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहली बार कब आती है, 1968 में, उसके बाद में 86 में, बस इसको अपोजिट कर दो, ठीक है, इसको अपोजिट कर दो, और उसके बाद में 2020 में। नेक्स्ट सुनिएगा, फीफा अंडर 17, ये मैंने आपको कल ही बताया था, ये कौन जीता है, ये स्पेन जीता है। कौन, स्पेन। इंडिया इसके अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन होस्ट किसने किया, ऑब्वियसली इंडिया ने इसको होस्ट किया। तीन जगह पे इसका आयोजन हुआ था, गोवा, ओडिशा एंड नवी मुंबई। और नवी मुंबई के अंदर इसका फाइनल मैच जो है वो खेला गया है। पहली बार विमेंस वाला जो है ये इंडिया ने होस्ट किया। बट अगर हम मेंस वाले की बात करें तो इंडिया ने 2017 में इसको होस्ट किया था। सुल्तान जोहर कप अभी हाल में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, इसको किसने जीता है, इंडिया ने। कहां पर हुआ था, मलेशिया के अंदर हुआ था। कहां, मलेशिया के अंदर यह हुआ था। कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये हॉकी के साथ में जुड़ा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये आयोजन किया जाएगा कहां, दोहा इज द कैपिटल ऑफ कतर। लेकिन 2026 में इसका आयोजन कहां पर होगा, तो वो तीन देश आएंगे, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। अगला है संतोष ट्रॉफी, ये संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी, तो अभी हाल ही में इसको केरला के द्वारा जीता गया है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इस वाली न्यूज के साथ में याद रखनी है। चले, अच्छा ये बताओ, ये रिवर राफ्टिंग किसको अच्छी लगती है, भाई साहब कसम से बता रहे हैं, हमको तो देख के डर लगता है इसको, पता नहीं कितनी खतरनाक होती है और लोगों को तभी। एग्जामिनेशन सेंटर से लाइव हो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी, ये आप देख पा रहे होंगे, चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल। क्या है, चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल, इसकी शुरुआत हो गई है। और ये 2 दिन का फेस्टिवल है, कितने दिन का है, 2 दिन का फेस्टिवल है। भाई इतना खतरनाक होता है, कई बार लड़कियों का तो अपना अलग स्वैग होता है, एक बार की बात है, उत्तराखंड, मेरी फ्रेंड है वो गई उत्तराखंड घूमने के लिए, है ना, तो वहां पर शी पुट ऑन, मतलब मेकअप वेकअप तो करके लोग जाते ही जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ये रिवर राफ्टिंग वगैरह करते हुए जब लोग बिल्कुल साइड पर आ जाते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर तो ऐसे जूप 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 इस तरीके से जाते हैं, जब लोग बिल्कुल साइड पर आ जाते हैं तो उनका गिरने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं, तो वो गिर गई थी इसलिए उसके बाद से तो मुझे इसमें और डर लगने लगा, तो मैं तो कभी ट्राई नहीं करूंगी। चलिए, चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल ये कौन सा स्टेट में या यूनियन टेरिटरी के अंदर लॉन्च किया गया, तो ऑब्वियसली बात है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कहां, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आइए जरा बात करते हैं, सुनिएगा। अच्छा, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में, आहा बहुत बढ़िया। चलिए सुनिए, चेनाब फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किया जा रहा है चेनाब नदी के ऊपर, और ये फेस्टिवल 2 दिनों के लिए है। कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए फेस्टिवल है। सेकेंड पॉइंट, जब हम चेनाब की बात करते हैं तो चेनाब रिवर कहां से इसका ओरिजिन होता है, तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 लाचा पास है, जहां पे आपको 2 रिवर्स मिलती हैं, एक है चंद्र, दूसरी है भागा। और चंद्र भागा के साथ में जब भागा तो कहां से भागा, 12 लाचा से भागा। तो यहां पे कौन से रिवर है, एक है चंद्र, दूसरी है भागा, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, चेनाब बनाती है। क्या बनाती है, चेनाब बनाती है। ये जो चेनाब है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। ये क्या है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये जो पर्टिकुलर रिवर है ये कहां पर है, लाहौल स्पीति। कहां पर है, लाहौल स्पीति, ठीक है। अब आपके लिए आज का बॉम्ब सवाल,
आप मुझे ये बताइए, जहां पे आपको चेनाब नदी देखने को मिलती है वहां पे कौन सा हाईवे है, वहां पे कौन सा हाईवे है? कमेंट बॉक्स के अंदर आप आंसर करो, तब तक आगे की कहानी सुनाते हैं। तो ये जो चेनाब रिवर है ना, ये जो चेनाब रिवर है, इस पर्टिकुलर रिवर पे ही रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया गया। अब रिवर राफ्टिंग कैसे होती है? ये ऐसे होती है, ठीक है ना, ऐसे आपको रिवर राफ्टिंग देखने को मिलती है। ये 2 दिनों का फेस्टिवल है, लेकिन इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है? एडवेंचरस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। भाई कितना भी कर लो, हम तो नहीं आएंगे इसका हिस्सा बनने। एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है, वो भी कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए आयोजन हो रहा है। अब जब यहाँ पे मैंने आपसे हाईवे पूछा, तो हाईवे में कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल सिंपल आंसर था यहाँ पे, ले मनाली हाईवे। क्या था? ले से मनाली के बीच में जो हाईवे है वो आपको चेनाब के पास में ही मिलेगा। क्या मिलेगा? चेनाब के पास में ही मिलेगा। तो इसका आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है? तो ये दोदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? दोदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और कौन सी जगह है? सेबनॉट। कौन सी है? सेबनॉट। अब सुनो, एग्जामिनर जो है वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि चेनाब फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ, क्योंकि वो उसके नाम से पता चल रहा है। वो आपसे पूछेगा या तो ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, या वो आपसे पूछेगा इस हाईवे के बारे में, या वो आपसे बारालाचा पास को जोड़ के कुछ पूछ सकता है, या ज्यादा से ज्यादा होगा तो वो इस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पूछ सकता है। इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा। नॉब, विश यू हैप्पी बर्थडे बच्चा। चलो, ये तो हो गए इसके बारे में बातें कि ये पर्टिकुलर आपको एक फेस्टिवल देखने को मिल रहा है, वो भी 2 दिनों का, बताओ, है ना। अच्छा, एक चीज और बता दें, वैसे इतना ज्यादा डिटेल में आएगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो आयोजन किया जा रहा है, यानी कि 2 दिनों का ये जो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, ये एक प्रोग्राम के अंदर किया जा रहा है, बैक टू विलेज फेज 4। क्या है? बैक टू विलेज फेज 4, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आप बताना शुरू करिए। सबसे पहले लिखा हुआ है रैटल डैम, आपको बताना है रैटल डैम कौन से रिवर के ऊपर है। मैं ना बता रही, ये आपकी जिम्मेदारी, आप बताएं। इंडस वाटर ट्रीटी, ये कब होती है? 1960 में होती है। किसने करवाई? वर्ल्ड बैंक ने। किसके किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अभी हाल ही में इसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, कहाँ पे? दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। झेलम होगी, इसका आंसर झेलम होगा। कैसी बातें करते हो, 4 दिन नहीं हुए पढ़ाए हुए, झेलम हो गया, नदी बदल गई। चलो अगला देखिएगा, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, सिंधु की सहायक नदियों में जो मेजर रिवर्स हैं, चेनाब है, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, द्रास, जास्कर, गिलगिट, श्लोक, ये जितनी भी रिवर्स मैंने आपको बताई है सब की सब क्या है? सब की सब इसकी ही ट्रिब्यूटरी है। अगला है कश्मीर वैली जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो कश्मीर वैली की जहां पर लोकेशन है वो होगा आपका हिमाद्री, हिमाद्री और लेसर हिमालय के बीच में आपको इसकी लोकेशन जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, कहा जा रहा है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये कहाँ पर लोकेटेड है? नंगा पर्वत जो है ये हिमालय का वेस्टर्न पार्ट है, और वेस्टर्न पार्ट है तो कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये कुछ इस तरीके से जाता है, ये हो गया नंगा पर्वत, और जहां पे ये खत्म होता है यहाँ पे होगा नामचा बरवा। क्या होगा? नामचा बरवा। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला क्या है? कामचौथ फेस्टिवल, ये भी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेलिब्रेट किया गया। अगला है चेनाब की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। देखो, चेनाब की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो झेलम रिवर जो है वो भी चेनाब की आगे जाके ट्रिब्यूटरी बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झेलम हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी कौन सी? चेनाब। अगला है लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कौन कौन से लेक्स आपको मिलेंगे? तो पहला तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डल, दूसरा है वुलर, और एक और है वो आप मुझे बताइए। चलो हम बता देते हैं, मानसर लेक। कौन सा है? मानसर लेक। तो ये कुछ पर्टिकुलर लेक्स हैं जो आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, इन्फेंट्री डे मनाया गया था,
कौन सा डे मनाया गया था? इन्फेंट्री डे मनाया गया था। 26 तारीख को हमारी जो इन्फेंट्री आर्मी थी वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आती है, और 27 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन करता है। देख रहे हो? वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड। देख रहे हो? गुलमर्ग, करेक्ट है, गुलमर्ग इज अ स्काइंग सिटी। देखिए गुजरात, आप सभी को मालूम है कि वो क्यों सुर्खियों में है ना, कल की मैं आपको न्यूज बता दूं, वैसे इतना उसमें कुछ खास है नहीं, बट उसके ऊपर आगे चीजें बनेगी जरूर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बोला गया है गुजरात के अंदर कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से है और वो माइनॉरिटी है वहां पर, है ना, और वो हमारे यहाँ पर अगर आता है तो गुजरात में उस पर्टिकुलर जगह पे उनको नागरिकता दी जाएगी। ओके, तो ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना। ओयो एकता, आप लोगों ने सुना होगा ओयो होटल्स के नाम, जैसे आप लोग कहीं जाते वाते हो तो आपको जब स्टे करना होता है तो आप क्या करते हो, ओयो के थ्रू जाके बुकिंग कर लेते हो, या आपने देखा होगा कि ओयो के थ्रू अगर आप बुकिंग करते हो तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिलता है, उसी तरीके से ये हाउस बोट है। ये क्या है? हाउस बोट है। जो हाउस बोट है वो यूजुअली हमें कहाँ मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा केरला में मिलती है, लेकिन अभी जो हाउस बोट है ये आपको गुजरात में भी मिलेगी। चलिए सवाल, सवाल में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में ओयो एकता हाउस बोट लॉन्च की गई है, कौन से स्टेट के अंदर? तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात इज द करेक्ट आंसर। ठीक, गुजरात इसका राइट आंसर बनेगा। Now enjoy your stay at Gujarat's first boat house in Statue of Unity, Ekta Nagar. देख रहे हैं मतलब कितना खुशी से लिखा हुआ है, हाँ? बताइए कितना खुशी से लिखा हुआ है, कितने लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है। गंगा की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी होगी दैट विल बी यमुना, और यमुना की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी होगी वो होगी टोस। ठीक, आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भैया कुछ नहीं खास है, सिंपल सी बात है। 31st of October को सेलिब्रेट किया गया यूनिटी डे, यानी कि एकता दिवस, और ये किसका हैप्पी वाला बर्थडे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हैप्पी वाला बर्थडे है। उस दिन बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पर? गुजरात के अंदर। वहीं पर क्या हुआ, ओयो के साथ में मिलके, ओयो ये जो कंपनी है इसके साथ में मिलके लॉन्च की गई सबसे पहली गुजरात की हाउस बोट। क्या है? हाउस बोट। अब ये जो हाउस बोट यहाँ पे लॉन्च की गई, ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल पास में है, एकता नगर के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया है। एकता नगर की बात अगर हम करें तो आपको एकता नगर रेलवे स्टेशन जो है वो भी यहीं पर देखने को मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि ये हाउस बोट जो है एक्चुअल में इसमें होगा क्या? अरे भाई सिंपल सी बात है, हाउस है और बोट है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, मतलब आपका घर जैसा फील आएगा, खाना पीना, नाच गाना, वाईफाई सुविधाएं, एवरीथिंग, टीवी, फ्रिज, सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। समझ रहे हो? सारी चीजें जो हैं वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगी, समझ गए? तो अब ये याद रखना कि ये जो हाउस बोट है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? इसकी शुरुआत की गई है गुजरात के अंदर। कहाँ? गुजरात के अंदर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो कश्मीर का जो एनवायरनमेंट है या वहां का जो कल्चर है उससे इंस्पायर होके यहाँ पे सबसे पहली बार हाउस बोट की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए वाटर मेट्रो सबसे पहले ये कहाँ पर आया? कोलकाता हुगली के अंदर। उसके बाद में कहाँ पे आया? ये आया केरला के अंदर। और अब क्या आ रहा है? हाउस बोट आ रही है। अब देखो मैंने पिछले कल ही आपको पढ़ाया था, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ चीजें जो हैं वो लॉन्च की गई थी। इसमें पहला नाम क्या है? मेज गार्डन, ये लॉन्च किया गया था। दूसरा यहाँ पर एक चीज और लॉन्च की गई, क्या? भूलभुलैया जैसा, वो क्या था? मियावाकी फॉरेस्ट। क्या था? मियावाकी फॉरेस्ट। ये दोनों चीजें ऑलरेडी गुजरात के अंदर लॉन्च की जा चुकी हैं। और तीसरी चीज क्या हो गया? ओयो एकता हाउस बोट को लॉन्च किया गया है। चलिए अब आपके सामने लिस्ट आएगी जो मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में चीजों को लॉन्च किया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये चीजें कहाँ पे लॉन्च की गई हैं। फाइन,
पहला पॉइंट लिखा हुआ है एम्स इन बिलासपुर, अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये बिलासपुर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला है चौथी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसको कहाँ से चलाया गया? तो ये भी चलाई गई कहाँ? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ? हिमाचल से। और अगर हम तीसरी वाली की बात करें तो तीसरी वाली कहाँ आई थी? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट आइएगा श्री महाकाल लोक कॉम्प्लेक्स। श्री महाकाल लोक कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? तो इसका इनोग्रेशन कहाँ होता है? उज्जैन के अंदर। उज्जैन जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? शिप्रा नदी के किनारे पर है। और ये कहाँ है? एमपी के अंदर आपको मिलेगा। अगला पॉइंट पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? दिल्ली के अंदर। और इसको भी इनोग्रेट किसने किया? पीएम के द्वारा ही इसको भी इनोग्रेट किया गया। अगला है देसा, ये क्या है? एक एयरबेस है। क्या है ये? एक एयरबेस है। कहाँ पे बनाया गया? गुजरात के अंदर इसको बनाया गया। किसके बॉर्डर पे? ऑब्वियसली इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है लाइफ मिशन। अगला है लाइफ मिशन, ये लाइफ मिशन लॉन्च किया गया था किसके लिए? एनवायरमेंट के लाइफ स्टाइल के लिए। किसके लिए? एनवायरमेंट के लाइफ स्टाइल के लिए इसको लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी के साथ में कौन आए हुए थे? एंटोनियो ग्यूटेरेस। कौन? एंटोनियो ग्यूटेरेस। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। अगला सुनिएगा, कहां पर लॉन्च किया था? तो ये केवड़िया के अंदर लॉन्च किया था। कहां? केवड़िया के अंदर लॉन्च किया गया था। अगला है 3400 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट अभी हाल ही में किया गया है, मोदी जी के द्वारा अनाउंसमेंट हुआ था, ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट। कहाँ होगा? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड में ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगला है पीएम मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में बोला गया है कि वडोदरा के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा जिसके अंदर एयरबस के साथ में मिलके टाटा जो है वो इंडिया के लिए एयरक्राफ्ट बनाएगी, वो भी ट्रांसपोर्टेशन वाला, और उसका नाम क्या होगा? C295। सारे रिवाइज हो गए? अगर हाँ तो एक बार से थम अप करिएगा। और जो बच्चे सिर्फ क्लास में ऐसे गोला 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 बनाते रहते हैं ना, जिंदगी गोला हो जाएगी, बता रहे हैं हम। फिर ढूंढोगे कि कौन से वाले गोले पे चले जाएं जहां पे सुकून भरी हमें सांसें आ सके। तो एक गोला वोला कम बनाया करो, पढ़ा ज्यादा करो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगली न्यूज है यहाँ पे किसके साथ में? जमशेद ईरानी जी के साथ जुड़ी हुई। और ये कौन है? स्टील मैन ऑफ इंडिया। आइए जरा बात करते हैं जमशेद जे ईरानी, इनको और किस नाम से जाना जाता है? अगर हम वाटरमैन की बात करें तो ये आप मुझे लिख के बताओ कौन होंगे। वेरी फेमस नाम, वेरी 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 फेमस नाम बताइए। हाँ, जामनगर के अंदर जन औषधि, करेक्ट। बताएं वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन होगा? राजेंद्र सिंह। बहुत बढ़िया सुष्मिता, वेरी गुड, राजेंद्र सिंह जी। अगर हम स्टील मैन की बात करें तो जमशेद ईरानी जी हो जाएंगे। बर्ड मैन की अगर हम बात करेंगे तो सलीम अली जी हो जाएंगे। कौन है? सलीम अली जी। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, जमशेद ईरानी जी की डेथ हो गई है। ये कितने साल के थे? 85 ईयर्स के ये थे। तो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे पेपर में पूछी जाएगी। पहला पॉइंट ये है, इनको कहा जाता था स्टील मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता था? स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था। इनकी जो शुरुआत होती है लाइफ की वो होती है 1968 में। 1968 में ये यूके से इंडिया के अंदर आते हैं, और इंडिया में आने के बाद में इन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया, और वो कंपनी कौन सी थी? टाटा स्टील। वो कंपनी कौन सी थी? टाटा स्टील। वहां पे इन्होंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे करके इनका जो काम था वो और भी ज्यादा बेहतर होता गया। उसके चलते इनको एक उपाधि मिली, और वो उपाधि कौन सी थी? नाइटहुड की उपाधि। कौन देंगी? एलिजाबेथ टू। कौन देंगी ये उपाधि? एलिजाबेथ टू। और ये उपाधि इनको दी गई थी 1997 में। इसके बाद में इंडिया ने भी इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया। वो अवार्ड कौन सा था? पद्म भूषण अवार्ड। कौन सा अवार्ड था? पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड इनको कब मिला? 2007 में दिया गया। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में टाटा स्टील के अंदर इनको सीईओ के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। कहां पे? जमशेदपुर में। कहां पर? जमशेदपुर में। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन सेंटर है वो जमशेदपुर में ही है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में मिलेगा।
और उसके बाद में इन्होंने काफी अच्छा काम किया और फिर 2011 में इन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया, ठीक है। और अब इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। कितने साल के थे आपके सामने मेंशन है, बस यहाँ पे आपको इतनी चीजें जो हैं वो पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सा वाला सेकेंड ईयर प्लान था, कौन सा वाला सेकेंड ईयर प्लान था, सॉरी सेकेंड ईयर प्लान तो मैंने बता ही दिया, अब आपको अब क्या बताना, कौन सा वाला सेकेंड नहीं, सीधे सीधे फाइव ईयर प्लान का सेकेंड वाला प्लान था जिसके अंदर हम बात करते हैं स्टील प्लांट्स की। किसकी बात करते हैं, स्टील प्लांट्स की। स्टील प्लांट में आपको तीन प्लांट याद रखने हैं। कितने, तीन प्लांट जो है वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। पहला है दुर्गापुर, पहला कौन सा है दुर्गापुर, दूसरा कौन सा है भिलाई, कौन सा है भिलाई, और तीसरा कौन सा हो जाएगा रौरकेला, तीसरा कौन सा है रौरकेला। इनमें से कोई भी तुमसे पूछा जा सकता है। दुर्गापुर की बात करो किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। अगर यहाँ भिलाई पूछा जाएगा तो किसकी सहायता से, यूएसएसआर रशिया हो जाएगा, और रौरकेला अगर पूछा जाएगा तो जर्मनी, तो जर्मनी की सहायता से। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टील प्लांट्स के बारे में, ठीक। आइए आगे चलते हैं, बताइएगा अगला पॉइंट होमी भाभा जी के बारे में। हाँ, पीसी महल एनोविस का मॉडल था कौन सा वाला, सेकेंड वाला, और पहला वाला जो मॉडल है वो कौन सा है, हेरॉल मॉडल है। बताएं टाटा इंस्टीट्यूट, ये यहाँ बताएंगे ना, होमी भाभा जी का नाम आया तो है। चले होमी भाभा जी के नाम की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इनका हैप्पी वाला बर्थडे था 30 अक्टूबर को, और इनके द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अगर हम टाटा इंस्टीट्यूट बोलें या हम टाटा की बात करेंगे तो आज के टाइम में जो नाम आएगा वो आएगा रतन टाटा जी का। और रतन टाटा जी को अभी हाल ही में आसोम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आसोम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सुनिएगा साइरस मिस्त्री, इनका नाम भी जुड़ा हुआ है टाटा सन्स के साथ। टाटा सन्स के साथ इनकी जो मर्सिडीज थी वो लड़ गई थी और इनकी भी अभी हाल ही में डेथ हुई है। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा की अगर हम बात करें तो ये डेट आएगी 5th of October की, जिसे हम चैरिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा, चैरिटी डे के रूप में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेट मैन ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, ब्रिजेंद्र सिंगल। कौन है, ब्रिजेंद्र सिंगल, ये कौन है, इंटरनेट मैन। कल मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल इंटरनेट डे, कल ही बताया था 29th of October को होता है। कब होता है, 29th of October को होता है, बुलडोजर। हाँ याद आ गया है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें इस न्यूज के साथ में, ओके। अब पहले जरा इस न्यूज को पढ़ने से पहले ये एक इमेज देख लो ताकि आपके दिमाग में रहे। ये देखिए, ये इतने सारे आपको सेठ नजर आ रहे हैं जिनका हैप्पी वाला बर्थडे था कल, है ना। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि एक आपको यूनियन टेरिटरी भी देखने को मिल रहा है, दैट इज पुडुचेरी। इन सबका हैप्पी वाला बर्थडे था, ठीक है ना, इन सबका हैप्पी वाला बर्थडे था। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, जब से अक्टूबर चल रहा है दिमाग में अक्टूबर ही अक्टूबर घूम रहा है। भैया मदर टेरेसा 5th September एंड 5th of October इज डॉल्फिन, ठीक, ये याद कर लीजिएगा। और हाँ, ये हो जाएगा आपका टीचर्स डे, ये हो जाएगा वर्ल्ड टीचर्स डे। हाँ जी, तो न्यूज क्या है, न्यूज है यहाँ पे के सिवान जी, यानी कि अपने इसरो के क्या फॉर्मर, समझ गए ना, पहले वाले वो चेयरपर्सन याद आए आपको, हाँ चलिए, तो उनको अवार्ड दिया जाएगा। और ये जो अवार्ड दिया जाएगा, इस अवार्ड का नाम क्या है, राज्य उत्सव अवार्ड। तो इनके बारे में जरा बात करते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि कर्नाटका जो है वो अपना हैप्पी वाला बर्थडे किस दिन मनाता है, तो कर्नाटका अपना हैप्पी वाला बर्थडे 1st of November को सेलिब्रेट करता है। कब, 1st November को सेलिब्रेट करता है। अगर हम 1st December बोलें तो ये BSF डे हो जाएगा, क्या होगा, BSF डे। और यही क्या होगा, वर्ल्ड एड्स डे, क्या होगा, वर्ल्ड एड्स डे। लेकिन ये क्या है, नवम्बर है, तो इसका आंसर क्या है, 1st of November, ठीक है। चलो इनका केक वेक कट करेंगे, इनका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, लेकिन हैप्पी बर्थडे मनाने से पहले जरा इस बर्थडे बॉय के बारे में जान तो लो। तो पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि कर्नाटका का, प्रदीप आया है कि नहीं आया, पुराना नाम क्या था, मैसूर के नाम से इसको जाना जाता था। मैसूर पैलेस मिलेगा,
मैसूर पाक भी मिलेगा आपको यहाँ पे खाने को। तो मैसूर के नाम से इसको पहले जाना जाता था। अब यहाँ पर पॉइंट ये आया कि कर्नाटका का जो ये नाम है, ये जो स्टेट का नाम आता है, ये कब आया? 1973 में। कब आया? 1973 में। पहले इसको क्या बोलते थे? मैसूर बोलते थे। और ये क्या थी? ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। लेकिन जब ये नाम बदला, उस समय पर सीएम कौन थे? देवराज अरासू। कौन थे? देवराज अरासू उस टाइम पे सीएम थे, जब यहाँ पे मैसूर से नाम क्या हो गया? कर्नाटका, इसका नाम चेंज किया गया। अब जब ये नाम वाम बदल गया तो इसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया और इसका नाम क्या हुआ? कर्नाटका। जब इसको बनाया गया तो यहाँ पर बहुत सारी जो प्रोविंसेस थी उनको साथ में मिला मिला के एक यहाँ पर नया स्टेट बना के खड़ा किया गया। ये जो स्टेट बनाया गया, इसमें बॉम्बे के आसपास के कुछ एरियाज और कुछ एरिया मद्रास के आसपास के, जो लोग कौन सी भाषा बोलते थे? कन्नड़ भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा? कन्नड़ भाषा बोलते थे। उन सबको मिला के कर्नाटका का निर्माण किया गया। उन सबको मिला के कर्नाटका का निर्माण किया गया। सब पहले ही बता लिए। चले, ये कर्नाटका यहाँ पे बन गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ अवार्ड दिए जाएंगे जिसे हम कर्नाटका रत्न अवार्ड कहते हैं, और दूसरी लैंग्वेज में इसको हम राज्य उत्सव अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि राज्य जो है वो अपना उत्सव मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में वो क्या करता है? अवार्ड देता है। ये अवार्ड कब मिलते हैं? 1 तारीख को दिए जाते हैं, जिसमें मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कि ये अवार्ड जाएगा किसको? पुनीत राजकुमार। ये काफी फेमस एक्टर थे जिनकी कुछ समय पहले जिम में डेथ हुई थी, इनको अवार्ड दिया गया कल। दूसरा, के सिवान जी, हम सभी लोग जानते हैं, इसरो के चेयरपर्सन के रूप में काम कर चुके हैं, इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। टोटल 67 लोग थे जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपने काम के सिर्फ दो हैं नाम, एक ये नाम हो गया और दूसरा नाम ये वाला हो गया। ये याद रखिएगा, इसरो के प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो है एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। कौन से नंबर के? 10th नंबर के हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कर्नाटका के बारे में। अब सुनो, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, केरला, पुडुचेरी, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये सारे के सारे वो स्टेट हैं जिनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है कब? 1 नवंबर को। जिनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है 1 नवंबर को, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन पुडुचेरी आजकल एग्जामिनर का फेवरेट बना घूम रहा है। कौन? पुडुचेरी। तो आइए जरा, हाँ करेक्ट, डेट, मैं सिर्फ डेट की बात कर रही हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेट। डेट की बात कर रहे हैं बच्चा, ईयर की बात नहीं कर रहा है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डेट। 1st of November को इन सबका बर्थडे होता है। ये तो 1966 में बना है ना, ये 56 में है। ईयर सबके अलग है, सिर्फ डेट याद रखना, 1 नवंबर इनकी तारीख है। ठीक, चलिए आप सुनिए, पुडुचेरी ये क्या है? हमारे यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये फ्रांस की एक कॉलोनी भी बन गया था। अब यहाँ पे देखिए, पुडुचेरी को जो आजादी मिलती है वो कब मिलती है? 1st of November 1954 को इनको आजादी मिली। उसके बाद में इसको यूनियन टेरिटरी के साथ में, या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया के साथ में मर्ज कब किया जा रहा है? 1962 में इंडिया के साथ में इसको मर्ज किया गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, पुडुचेरी का लिबरेशन डे 1st November को होता है। कब होगा? 1st November को होता है। ठीक है, चलिए, तो कर्नाटका एंड केरला दोनों का यहाँ पे हैप्पी वाला बर्थडे था। आइए बात करते हैं कर्नाटका के बारे में, जितनी जीके तुमको पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापना चालू करो। हमारे जैसे लोग होंगे तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे मैसूर पाक, है ना। चलिए, कैपिटल क्या हो जाएगी? बेंगलुरु है, सबको पता है। इनका हैप्पी बर्थडे कब हो रहा है? 1st of November को हो रहा है। पहले मैसूर था, फिर कर्नाटका हो गया। ईयर अगर पूछा जाए तो 1956 ईयर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स आपको मिलेंगे, जिसमें से अलमाती डैम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे नेशनल पार्क में आप देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कुद्रेमुख से। कहाँ से? कुद्रेमुख नेशनल पार्क से। और इसके लिए एक कमिटी बनाई गई थी जिसका नाम था गडगिल कमिटी, ताकि एनवायरमेंट को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी? 225। यहाँ पे लोकसभा नहीं, विधानसभा भी नहीं, और यहाँ पे बस सिंपली ये याद रखना कि दिस इज अ स्टेट लेजिस्लेचर। क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन अगर हम लोकसभा
और राज्यसभा का रेशियो देखें तो कितना होगा, 28 और 12। कितना है, 28 और 12 का रेशियो रहेगा। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे, 31 डिस्ट्रिक्ट है। अभी हाल ही में एक नया जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसके अंदर जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मंदिर कौन सा होगा, विरूपक्षी टेम्पल बहुत पूछा जाता है। विरूपक्षी टेम्पल, जगह कौन सी है, हम्पी। जगह कौन सी है, हम्पी। हम्पी जो है ये यूनेस्को के अंदर आती है, हम्पी यूनेस्को के अंदर आती है और 50 रुपए के नोट के ऊपर आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे गोमटेश्वर टेम्पल भी मिलेगा। कौन से भगवान, बाहुबली। कौन सा मंदिर है, गोमटेश्वर टेम्पल है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट मंदिर है, इंपॉर्टेंट मंदिर है। नेक्स्ट, कर्नाटका के अंदर आपको काफी सारी लेक भी मिलती हैं, जिसमें से लाल बाग लेक, कौन सा लेक है, लाल बाग लेक, ये बहुत खूबसूरत लेक है। अगर आप जाएं बेंगलुरु तो बेंगलुरु में लाल बाग लेक घूमकर आइएगा, और उसी के पास में एक आइसक्रीम पार्लर है, बहुत गजब की आइसक्रीम मिलती है वहां पर। लाल बाग लेक वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा हिब्बल लेक, कौन सा, हिब्बल लेक जो है वो भी आपको यहीं पर मिलता है। ओके, ये दोनों लेक्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। अब यहाँ पे रिवर्स कौन कौन सी हो जाएंगी, तो कावेरी है, कृष्णा है, भीमा है और पेन्नेर रिवर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेडियम कौन सा होगा, चिदंबरम और चिन्ना स्वामी। चिदंबरम तमिलनाडु और चिन्ना स्वामी यहीं का होगा। चिन्ना स्वामी कहाँ का होगा, कर्नाटका का रहेगा। अब अगर हम डांस फॉर्म्स की बात करें, डांस फॉर्म्स की बात करें तो पहला पॉइंट तो ये है कि भाई कंपाला फेस्टिवल यहाँ पर होता है। कौन सा, कंपाला फेस्टिवल होगा। दूसरा, यहाँ पे करागा डांस फॉर्म होता है, ढोलू कुनिथा, ढोलू कुनिथा। और तीसरा जो डांस होगा यहाँ पे, यशगंग। आई होप आपको याद होगा, दिस इज अ मार्शल आर्ट फॉर्म, दिस इज अ मार्शल आर्ट फॉर्म जो आपसे पेपर में अक्सर आता है। ओके, चलो भैया स्टार्टअप डे, आइए बात करते हैं इसके बारे में। करेक्ट, चलिए सवाल। सवाल में कहा जा रहा है, पहली बार आसियान और इंडिया का स्टार्टअप फेस्टिवल आयोजित किया गया है। ये आयोजन इसलिए हुआ है क्योंकि इन दोनों के रिश्ते को 30 साल पूरे हो गए। ओ माय गॉड, कितने साल, 30 साल जो है वो पूरे हो गए। सवाल में कहा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। अब आधे ढूंढेंगे कि कहीं मैम ने नन ऑफ दी अबव तो नहीं लिखा है, या कहीं मैम ने वर्चुअल तो नहीं लिखा है। इसका आयोजन हुआ है, हुआ है। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपको पढ़ाया था इंडिया और आसियान इन दोनों की एक बैठक का आयोजन किया गया, और वो बैठक किसके लिए थी, एग्रीकल्चर के लिए थी। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल फॉर्म में इसका आयोजन किया गया था। बट इस बार इसका आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, नेम द प्लेस, जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। क्या बनेगा, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। अब जरा ध्यान से सुनो, अपने यहाँ पे क्या है कि स्टार्टअप डे है, कब होता है, 16 जनवरी को होता है ना। और अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप कहाँ आएगा, महाराष्ट्र के अंदर आएगा, पुणे में, ये भी हमें पता है। अब इन्होंने क्या किया, आसियान के अंदर टोटल कंट्रीज कितनी आती हैं, 10 कंट्रीज आती हैं, और इंडिया जो है वो इसका हिस्सा तो है नहीं, इंडिया तो बाहर है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसके साथ में इंडिया, तो अब यहाँ पर क्या है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने बोला है कि आसियान के अंदर ये जो 10 देश आते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड है, ब्रूनी है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, ये सभी कंट्रीज क्या करें, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया के अंदर जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ज्यादा इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप है वो बढ़ेगा, और जब स्टार्टअप बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। इसको होस्ट किया गया किसके द्वारा, आसियान और इंडिया के द्वारा, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में मिलके इसको लॉन्च किया गया। रुको जरा, सबर करो, इसमें एक और नाम आएगा। अब आधे कहेंगे है मैम, है सच में मैम, कहीं झूठ तो नहीं बता रही हैं आप। इसके अंदर ये जो आयोजन हुआ है, इसमें IIT कानपुर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। देख रहे हैं आप किसका कंट्रीब्यूशन है, IIT कानपुर का भी इसके अंदर आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। आजकल बड़ा तरक्की कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका पहला सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। दिस इज द फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल।
27 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई, कहां पर? इंडोनेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक, चलिए बताइएगा सवाल। इंडिया आसियान एग्रीकल्चर मीट ये वर्चुअल फॉर्म में हुई, ये वर्चुअल फॉर्म में हुई। आसियान को कब बनाया गया? 1967 में। इसको बोला जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन, क्योंकि इसका डिक्लेरेशन जो है वो थाईलैंड के अंदर किया गया था। अगला है गैस्टैक, ये कहाँ हुई थी? इटली के अंदर। कहाँ हुई? इटली के अंदर। इंडिया की तरफ से कौन गया? हरदीप सिंह पुरी। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये समिट वाला क्लास मेरा नहीं पढ़ा है, मैंने अभी 3 या 4 दिन पहले समिट वाला क्लास अनअकैडमी पे पढ़ाया था, 2 क्लासेस लेके मैंने पूरे साल भर की सारी समिट पढ़ा दी है। आज भी बता दूं, आज शाम को 4 बजे पढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पढ़ाएंगे, तो क्लास में समय पर आइएगा। ठीक है, चलिए। ब्रिक्स की 14th बैठक कहाँ होगी? चाइना के अंदर होगी। अगला है एपेक, इसको होस्ट कौन करता है? यूएसए इसको होस्ट करता है, और ये कहाँ पर? न्यूजीलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला है एससीओ रैच, ये क्या है? रीजनल एंटी टेररिज्म सिक्योरिटी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका आयोजन भारत के अंदर किया गया। अगला है एससीओ, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? समरकंद। कहाँ पर? समरकंद के अंदर इसका आयोजन किया गया, जहां पे मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। अगला है इंटरपोल की बैठक, इंटरपोल की बैठक भारत के अंदर इस बार हुई थी, जिसके अंदर अपना जो सीबीआई है वो पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूएन का काउंटर टेररिज्म की मीटिंग का आयोजन, ये भी इंडिया के अंदर ही आयोजित किया गया। ओके, चलिए। हाँ भाई, एक और फेस्टिवल। अच्छा बताओ, आप लोगों में से लाइक स्कूल में जब आप रहे होंगे तो आप लोग क्या भी फेस्टिवल होते होंगे इस तरीके से, आप लोग भी सज धज के जाते होंगे, है ना? क्यों? हाँ, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स की जो मीट है वो दिल्ली में हुई। करें, सुनिएगा। 5 दिनों का डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल जिसका नाम है क्या? उपदव उत्सव 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? अब देखो, यहाँ पे ये नाम देख के मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज होगा और सोचेगा कि ये महाराष्ट्र में होगा, बट ये महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि इसका आयोजन ग्वालियर एमपी में किया गया। कहाँ पे किया गया? ग्वालियर एमपी में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एमपी इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे देखो, बिहार है, अभी हाल ही में यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन हुआ है, 4 दिनों का आयोजन किया जाता है। अच्छा नहीं बने, अरे यार तुम लोग कैसी बातें करते, ये देखिए। अब आधे कहेंगे मैम प्लीज स्लाइड मत बदलिएगा, प्लीज दिस इज अ रिक्वेस्ट टू यू मैम। चले आइए, जरा जानते हैं इस उत्सव के बारे में। ये जो उत्सव है इस बार का, ये है 17th एडिशन। कौन सा एडिशन है? 17th एडिशन है। कहाँ पर चल रहा है? ग्वालियर के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो 5 दिनों का है और 29 तारीख से इसकी शुरुआत हो गई है। 29 अक्टूबर से लेकर अगले 5 दिनों तक, यानी कि आज जाके ये क्या होगा? खत्म हो जाएगा, आज इसका समापन हो जाएगा। ग्वालियर जो है वो वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि ग्वालियर के अंदर आपको तानसेन जी की क्या मिलती है? क्या मिलती है? जैसे कि होता है ना समाधि स्थल, तो समाधि स्थल जो है वो तानसेन जी का आपको ग्वालियर में ही मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? तानसेन समारोह। क्या होता है? तानसेन समारोह यहीं पर होता है। जो ग्वालियर है इसको यूनेस्को की सिटीज की लिस्ट के अंदर भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्वालियर के अंदर आयोजन किया गया था ड्रोन फेस्टिवल का। क्या हुआ था? ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। अच्छा, अभी जो फेस्टिवल हुआ है, इस फेस्टिवल के बारे में कुछ बातें जो है वो जान लेते हैं। देखो भाई, ये एक फेस्टिवल है, डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल है, सिंपल सी बात है, बट ये इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अंदर 5 देश हैं, इसके अंदर 5 कंट्रीज आपको मिलेंगी। एक तो इंडिया है, लेकिन इस बार पहली बार ये देखिएगा, पहली बार ताइवान ने पार्टिसिपेट किया। ओके, यू आर फ्रॉम ग्वालियर। ओके, हाँ, ग्वालियर के साथ ओरछा भी है भाई, इसको भी ऐड किया गया। हाँ जी, ताइवान जो है वो पहली बार इसके अंदर आया। कृष्णा, बहुत बढ़िया, तो ताइवान फर्स्ट टाइम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। किर्गिस्तान, श्रीलंका एंड उज्बेकिस्तान, ये वो कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ में मिलके इसका क्या हिस्सा बनी है। ये तो हो गया डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि 12th नंबर का वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ होगा? तो ये फिजी के अंदर होगा। कहाँ होगा? फिजी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान नहीं है।
ओके दिस इज किर्गिस्तान नॉट कजाकिस्तान. तो उज्बेकिस्तान, ताइवान, किर्गिस्तान एंड श्रीलंका ये इसका मेंबर बने हैं. इसके अंदर और भी काफी सारी टीम्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बट ताइवान जो है वो पहली बार यहाँ पर आया है. इसके अंदर करीबन 1200 से ज्यादा आर्टिशंस हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस उत्सव का पूरा नाम क्या है तो ग्रीन वुड उद्धव उत्सव. क्या है? ग्रीन वुड उद्धव उत्सव. ग्रीन वुड, ग्रीन, ग्रीन वुड. ओके चले आप बताइए, ओंकारेश्वर डैम आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो ये मिलेगा आपको नर्मदा नदी के ऊपर, जिसके ऊपर बनाया जाएगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर प्लांट एमपी के अंदर. दूसरा लिखा हुआ है यूनेस्को साइट्स. अगर हम यूनेस्को साइट्स की बात करें या सिटीज की बात करें तो इसमें क्या आएगा? ओरछा एंड ग्वालियर, इन दोनों को अभी हाल ही में एड ऑन किया गया है. माचू रिवर कुछ याद आ रहा है? इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ था, कौन सा? मोरबी ब्रिज. कहां? गुजरात के अंदर. ये अभी हाल ही में टूट गया है. अगला है क्लाउड ऑफ मिस्ट, जिसे हम कहते हैं धुआंधार वॉटरफॉल. ये जो वॉटरफॉल है ये कौन से रिवर के ऊपर मिलेगी? नर्मदा नदी के ऊपर मिलेगी. कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो एमपी स्टेट हो जाएगा. नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, एमपी से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए, गुजरात से होते हुए रण ऑफ कच्छ की तरफ ये जाती है और अरब सागर में, और अरब सागर में ये अपनी एश्चुरी बनाती है. ओके नेक्स्ट आएगा कुनू नेशनल पार्क. हां जी, कुनू नेशनल पार्क इंडिया के अंदर चीतों को लाया गया है, जिसमें एक का नामकरण भारत में किया गया, वो क्या है? आशा, आशा, आशा. अगला है खजुराहो टेम्पल एंड सांची स्तूपा. ये दोनों जो है ये दोनों एमपी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ लोग तो यहाँ घूमने भी गए थे, मुझे फोटो शोटो भी शेयर की थी. हाँ तो एमपी के अंदर आपको ये मिलेगा खजुराहो टेम्पल जो है, मैंने आपको बताया था ये पंचायतन स्टाइल का आपको मिलेगा और ये खजूर के स्टाइल में बनाया गया है. चंडेला डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी? चंडेला डायनेस्टी के टाइम पे इसको बनाया गया है. सांची स्तूपा अशोका के समय पर, अशोका के समय पर. अगला है चाइल्ड बजट. भारत का सबसे पहला राज्य जिन्होंने क्या प्रस्तुत किया? चाइल्ड बजट जो है वो प्रस्तुत किया. ओह खूबसूरत हसी वादियां कहां की होंगी? नॉर्थ ईस्ट की होंगी. आइए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट. सवाल इसके बाद में आपकी दोनों वन लाइनर न्यूज है, दोनों स्पोर्ट्स की न्यूज है. हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला फिश म्यूजियम बनाया जाएगा और इसका आयोजन किया जाएगा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्कीम के अंदर. कहा जा रहा है कि ये कहां पर बनाया जाएगा? नॉर्थ ईस्ट लिखा है तो ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ये भी नॉर्थ में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा क्या? अरुणाचल प्रदेश इज द आंसर. क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, पन्ना नेशनल पार्क की जगह पे नया वाला जो टाइगर रिजर्व है वो बनाया जाएगा. वेरी गुड. हाँ ये हसी वादियां ये खुला आसमां सुबह सुबह गाना गवा ले बस. चलो बताओ, अरुणाचल प्रदेश टू गेट द इंडिया फर्स्ट एक्वा पार्क एंड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम. ओके अब आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं. अपने यहाँ पे एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, याद आया? अपने यहाँ पे एक योजना आई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ये जो पर्टिकुलर योजना आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर लॉन्च की गई थी. क्यों लॉन्च की गई थी? ताकि हमारे यहाँ पे जो ब्लू इकोनॉमी है उसको बढ़ावा दिया जा सके और जो फिशिंग होती है, जो मछली पकड़ी जाती है या फिर जो मछली पालन होता है, इसे बढ़ावा दिया जा सके. और वैसे भी इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में फिशरी के प्रोडक्शन में नंबर वन पे आता है ना? इंडिया जो है नंबर वन पे आता है. अगर हम एशिया की बात करें तो, किसकी बात करें? एशिया की बात करें. लेकिन अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो हम तीसरे नंबर पर आते हैं, हम तीसरे नंबर पर आते हैं. तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया जाता है, जिसके अंदर अच्छा खासा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा और ये योजना कब आएगी? 2016 से इसको 2020 तक चलाना था, लेकिन अब इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया. अब इसी योजना के अंदर क्या बनाया जा रहा है? एक्वा पार्क बनाया जा रहा है, फुटबॉल ग्रास लेवल. बिल्कुल अभी बात करेंगे, सुनिए. अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे एक्वा पार्क बनाए जाएंगे. अब आप सोचेंगे मैम एक्वा पार्क बनेगा तो फिर यहाँ पे पैसा वैसा लगेगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगा, फिर खूब सारा पैसा यहाँ पे लगेगा. तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे पहले से एक पार्क बना हुआ था, एक गाँव है बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जिसका नाम है बूला.
भूला नहीं, भूला। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही आपको ये मिलेगा। किस जगह पे? जीरो वैली। कहां पर? जीरो वैली वाली जो लोकेशन है वहां पे आपको मिलेगा। अगर आप जीरो वैली भी नहीं समझे हैं तो आपको और बेहतर समझा देते। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट है? लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। ये ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ इसको क्या करना है? रिक्रिएट करना है। क्या करना है? इसको रिक्रिएट करना है। और इसको क्या बनाया जाएगा? एक्वा पार्क। क्या बनाया जाएगा? एक्वा पार्क इसको बनाया जाएगा। इसके लिए पैसा कौन देगा? इसके लिए पैसा दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लग रहा है। इसके अंदर पूरा पैसा जो आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया जाएगा। टोटल कितना अमाउंट आ रहा है? 43.59 करोड़ रुपीज। कितना? 43.59 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि अरुणाचल का क्या आ रहा है यहाँ पे? एक्वा पार्क बनेगा। नॉर्थ ईस्ट का पहला एक्वा पार्क यहाँ पे बनाया जाएगा। ये आप देख सकते हो, जीरो वैली वाले लोकेशन में इसको बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर ये बनाया जाएगा। अप्रोक्स 50 करोड़ रुपीज तक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। फाइन। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट के बारे में अब आपको जितनी बातें पता हो फटाफट से लिखना शुरू करिएगा। कह रही है मैम, यूपी की भले ही एक न्यूज रखो, भले ही 3-4 दिन पुरानी न्यूज रख लिया करो, लेकिन यूपी की न्यूज हर दिन एक पढ़ाया करो। अरे जबरदस्ती है क्या भाई? जिस दिन कुछ नया आएगा उस दिन पढ़ाएंगे है? चलिए, है किसके रिवर रिलेटेड वीडियो? तालियां अभी बजाओ या थोड़ी देर बाद बजाओ? रिवर सिस्टम इन इंडिया, अन अकेडमी में पढ़ा पढ़ा के हमारी सांसें रुक गई हैं। और अभी कुछ आई थिंक 2 हफ्ते पहले मैंने रिवर सिस्टम इन इंडिया पूरा का पूरा पढ़ाया था। और यूट्यूब पे चेक करो बेटा, इंडिया का मैंने मैपिंग पढ़ाई है, वहां पे भी रिवर सिस्टम पढ़ाया है। कम से कम 5-6 बार पढ़ा दिया बच्चा, तुम्हारा क्लास स्किप हो गया है। अच्छा, सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर मारोगे कि ना करोगे? चलो सुनो, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? ईटानगर इसकी कैपिटल है। अभी हाल ही में यहाँ पे ग्रास रूट फुटबॉल लॉन्च किया गया था। दूसरा पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर आसाम नजर आ रहा है। यहाँ पर एक ऐप आया था किसके लिए? फिशरमैन के लिए। एक ऐप जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया जाता है आसाम के अंदर। आसाम के अंदर ही नेविगेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नेविगेशन ऐप लॉन्च किया गया। इसके अलावा यही काजीरंगा नेशनल पार्क है, और काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर सैटेलाइट फोन जो है इनका इस्तेमाल भी किया गया है। अगला लिखा हुआ है यहाँ पे मेघालय। अगला क्या है? मेघालय। मेघालय के अंदर क्या आएगी? कैपिटल शिलोंग आएगी, जहाँ पे आसाम राइफल्स का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया ये पहाड़ियां भी आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नीचे की तरफ देखो, त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर आपको एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है फेनी रिवर। ये बांग्लादेश के साथ में प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप की गई है। अगर आपसे कहा जाता है ये बताइए ब्रू ट्राइब कहाँ मिलेगी, तो ये आपको त्रिपुरा के अंदर और मिजोरम के अंदर मिलेगी। कहाँ? त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट आपसे कहा जाएगा मणिपुर के बारे में। मणिपुर में आपको मिलेगा लोकटक लेक, और यहाँ पे आपको मिलता है शंघाई डियर, जिसकी वजह से होता है शंघाई फेस्टिवल का सेलिब्रेशन यहाँ पर। अगर आपको बोला जाता है कि इंटरनेशनल ऑरेंज फेस्टिवल ये कहाँ होगा, तो ये फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नागालैंड। अगला है नागालैंड। नागालैंड के अंदर आप देखोगे तो आपको एक बर्ड मिलेगी, अमोर फाल्कन। अमोर फाल्कन, इस बर्ड को कंजर्व करने के लिए ग्रीन ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ये ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था? नुकलू फोम को। किसको मिला था? नुकलू फोम को दिया गया था। अरुणाचल में एक बार फिर से वापस आइएगा, यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है सेला पास। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो, ये जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। इसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन। अगर आपको बोला जाता है कि अच्छा ये बताइए अभी यहाँ पर क्या करेक्ट है, आसाम आभा ट्राइब जो है उन्होंने भी यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। हे भगवान, हु टुक अवे माई जॉब। मुझे लग रहा है किताब जल्दी लिखनी पड़ेगी, सब तो पॉइंट बता ही दिए। चलिए,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बता लिया तुमने। फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कौन हो जाएंगे? अरुण कृष्णा जी रहेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी? ये थी आपके नॉर्थ ईस्ट के बारे में। आइए स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, जो कि है आपका वन लाइनर। हाँ जी, सवाल सवाल में कहा जा रहा है, मेंस डबल फाइनल फ्रेंच ओपन 2022 जो कि पेरिस के अंदर हुआ, इसको किसके द्वारा जीता गया है? तो इसको जीता गया है चिराग और सात्विक के द्वारा। किसके द्वारा? चिराग और, हाँ, परशुराम कुंड भी आपको मिलेगा, करेक्ट। विपिन रावत जी के नाम पर यहाँ पर आपको एक पोस्ट का नाम भी देखने को मिलेगा, करेक्ट। आइए चलिए, चिराग एंड सात्विक इन दोनों लोगों ने इसको जीता है। देखिए, फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है और फाइनल जो मैच है ये चिराग और सात्विक ने जीता है। किसको हराया है? चाइना की टीम को हराया, देख रहे हो, किसको हराया है? चाइना की टीम को हराया है। जब पिछली बार ये हुए थे 2019 में, जब पिछली बार इनका आयोजन किया गया था, तो ये दोनों लोग रनर अप थे। तब ये दोनों लोग क्या थे? रनर अप थे। लेकिन इस बार ये लोग क्या हैं? विनर्स हैं। ये आपके सामने इनकी इमेज है, ये आप देख पा रहे होंगे। ध्यान देना, ये बैडमिंटन है, ये बैडमिंटन है, नॉट टेनिस। टेनिस नहीं है, बैडमिंटन है ये। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप इनकी एक और फोटो देख सकते हैं, आपके सामने ये हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, राइट। अच्छा, ये तो बात हो गई इसके बारे में कि ये यहाँ पर आयोजन हुआ। अब सुनिएगा, इसी में मेंस सिंगल किसने जीता? वेक्टर ने जीता। कहाँ से है ये? डेनमार्क से है। अगर आपसे कहा जाए विमेन सिंगल किसने जीता? हे बिंग जियो, कैसे कैसे नाम है ये। जियो वियो तो हमारे यहाँ पे ऐसी गली के मोहल्ले में टहलते रहते हैं। ये कहाँ से? चाइना से ये बिलोंग करती हैं। अपने काम का जो सवाल है वो या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलो आप बताना, थॉमस कप और उबर कप दोनों के दोनों कप किससे जुड़े हुए? बैडमिंटन से जुड़े हुए। बैडमिंटन फेडरेशन जो है ये कहाँ पर है? ये क्वालालंपुर मलेशिया के अंदर आपको मिलेगा। कहाँ पर? मलेशिया, क्वालालंपुर के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि अभी हाल ही में स्विस चैंपियनशिप हुई थी, जिसको किसने जीता था? पीवी सिंधु ने जीता था। थॉमस कप पहली बार इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में जीता गया है। अगर पूछा जाए उबर कप, तो उबर कप किसने जीता था? साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया है। डेविस कप जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये टेनिस से जुड़ा है और अभी हाल में रशिया की टीम ने इसको जीता था। पेरिस कप, ये जो पेरिस कप है ये टेनिस वाला है। ये कौन सा वाला है? टेनिस वाला है। किसने जीता था? नोवाक ने जीता। किसने जीता? नोवाक ने जीता। पेपर में कंफ्यूज मत होना, वो आपको मेंशन करके देंगे कि वो टेनिस पूछ रहे हैं कि बैडमिंटन पूछ रहे हैं। हाँ जी, ये है आपके चारों के चारों टिप, वो क्या नाम है, टेनिस, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, ये मैंने चारों सीक्वेंस में लिखे हैं। अभी वाले जो विनर्स हैं वो आपको बताते हुए चलना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? नेडाल और कौन हो जाएंगी? एशले बार्टी। दूसरा है फ्रेंच ओपन, किसने जीता? नेडाल और दूसरा नाम किसका होगा? ईगा स्वेटेक। तीसरा है विंबलडन, तीसरा है विंबलडन। विंबलडन के अंदर कौन जीता था? विंबलडन के अंदर कौन जीता था? ये होंगे नोवाक। कौन हो जाएंगे? नोवाक। और फीमेल की कैटेगरी में पहली बार कजाकिस्तान से कोई खिलाड़ी थी जिन्होंने जीता था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था एलिना रबिकीना, एलिना रबिकीना। ओके, अगला है यूएस ओपन। यूएस ओपन फीमेल में किसने जीता था? ईगा ने जीता था। ईगा ने रिकॉर्ड बनाया था ना, किसने जीता था? ईगा स्वेटिक ने जीता था। और मेल की कैटेगरी में किसने जीता था? मेल में आएंगे कार्लोस एलराज। कौन है? कार्लोस। कौन है? कार्लोस, ये याद रखना, ये भी लेटेस्ट वाले। ओके, ये न्यूज वैसे मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप तो जानते ही हैं फॉर्मूला वन आता है तो आजकल से पिन का ही नाम आता है। तो ये रहे कौन? फॉर्मूला वन के ड्राइवर जिनका नाम है मैक्स, जिनका नाम है मैक्स। कौन सी वाली कार है भैया? रेडबुल वाली कार है। कौन सी वाली कार है? रेडबुल वाली कार है। इन्होंने एक बार फिर से एक चैंपियनशिप जीती है, वो है मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स। क्या जीती है? मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे जीती गई है। और इनके नाम के साथ आप जानते हैं कि इस बार बहुत सारी यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स इनके नाम पर आई है, ये पूरी इमेज आपके सामने है। तो करीबन यहाँ पे अभी हाल ही में इन्होंने 14 रेस जीती है। क्या है? 14 रेस जीती है, ठीक है।
तो बस ये आप याद रख लीजिएगा, ये रहे कौन, मैक्स भैया, फॉर्मूला वन की न्यूज थी ये। ओके तो ये है आपका आज का होमवर्क। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा, होमवर्क जरूर से अटेम्प्ट किया करिए कमेंट बॉक्स के अंदर। आज आपको इसके बारे में यहाँ पे 5-6 लाइनें जो हैं वो बतानी है, ठीक है, 5-6 लाइनें जो हैं वो आपको बतानी है। अब आपसे मुलाकात हम करेंगे 12 बजे, फिर 3 बजे और 4 बजे ऐप पे क्लास होगी। ओके क्लास में समय पर पहुंचिएगा। इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ये 6 तारीख को होगा। मैंने टीम से लिंक मांगा था लेकिन कुछ इशू आ रहा था ऐप में जिसकी वजह से लिंक कल नहीं मिल पाया था, बट आज जरूर से मिल जाएगा, उसमें आप एनरोल कर लीजिएगा। और हाँ, नया बैच जो है वो भी शेड्यूल हो गया है, वो आपको होपफुली आज से दिखना शुरू हो जाएगा ऐप पे। नया बैच जो है वो 7 तारीख से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐप पे अभी तक शेड्यूल हो नहीं पाया था, जैसे अपना 7 AM, जैसे अपना 7 PM कई बार स्पेशल क्लास होता है, तो मैंने सोचा इस बार की डेट भी 7 तारीख ही कर देते हैं। तो 7 तारीख से आपका SSC कैटेगरी में नया बैच स्टार्ट होगा, जिसे आप किसी भी एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हो, एनी एग्जामिनेशन किसी भी एग्जाम के लिए। और ये जो आपका बैंकिंग कैटेगरी है, यहाँ पे मेरा क्लास 15 तारीख से स्टार्ट होगा। कब से? 15 तारीख से। तो 13 तारीख के आसपास ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दिस इज ओनली फॉर FCI, ओनली फॉर FCI। ओके अगर उसके अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ज्वाइन करना है तो आप रैंकर्स बैच को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए, ये है टेलीग्राम जहाँ पे आपको PDF वगैरह मिलती है। बहुत सारे बच्चों के जो मैसेजेस हैं वो गलत जगह पे जाते हैं, तो प्लीज फोकस करिएगा कि आप इस लिंक के साथ में ज्वाइन करें। ओके बाय बाय, जय जगन्नाथ। ऐसे बाय बाय करते हो तुम लोग? मेरी आईज, हाँ आईज नहीं, आईज मेरी अभी बिल्कुल ठीक है। आई गॉट द वो आपका जो आई ड्रॉप होता है रिफ्रेश टीयर, काफी अच्छा वो आई ड्रॉप है। ये मुझे पहले भी रिकमेंड किया था, बट कई बार होता है ना कि आप कंटिन्यूसली जब काम करते रहते हो तो आईज में दर्द शुरू हो ही जाता है, तो मेरी आई साइट परफेक्ट है, उसे कुछ नहीं हुआ है। चलो, ये आपका यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, इसको ज्वाइन करिएगा। प्लस बैच को ज्वाइन करने के लिए जो कोड होगा दैट विल बी Krati10। Krati10 कोड के साथ में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप यहाँ पे 1-time पेमेंट या EMI के साथ में इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए, रिपोर्ट एंड विनर्स आल्सो अवेलेबल। ओके तो अभी आपसे मिलते हैं 12 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जिनका पेपर है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर लो, एक बारी की बात है, एक बारी मेहनत कर लो, आगे तो फिर दुनिया में देख ली जाएगी, है ना। चलिए, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।